गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ईद मुबारक बोलना चाहती हूँ एडवांस में। आप सभी को ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक हो तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप ईद में किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आपको इसके लिए हाई फाई मेकअप, कॉन्टोर और ये सब मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा मेकअप रखा है। आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेकअप को हमें करना कैसे है। लेकिन फिर से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी आपको ईद मुबारक मेरी तरफ से, आप सभी को एक प्यारी जादू की झप्पी। तो ईद मुबारक। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ईद के जो मेकअप ट्यूटोरियल है, इसे करना कैसे है और मेकअप में हमने क्या क्या यूज़ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको मालूम होगा, मेकअप करने से पहले हमें ज़रूरत होती है प्राइमर की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम आज अफोर्डेबल मेकअप कर रहे हैं जो कि बिगनर्स भी मेकअप कर सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा हाई फाई रेंज के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। तो मैंने एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल को यूज़ किया है, उसके बाद मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन। प्राइमर लगाने से हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका बेस बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, पैच ही नहीं दिखता, मेकअप केक ही नहीं दिखता। तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं तो एक तो ये भी होता है कि आप मेकअप करते हैं तो आपका चेहरा इससे ज़्यादा हार्म नहीं होता है, आपके ऊपर एक कवरेज बना देता है एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने ऑल ओवर फेस पे बहुत ही कम ज़्यादा मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। मैंने लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ किया है 9 to 5, जो कि 400-500 रेंज में आ जाता है, और ये मेकअप बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। अगर आप इस रेंज में दूसरा अगर फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं मेबेलिन का फिट मी। ये दोनों फाउंडेशन इस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है, मैंने फाउंडेशन लिया था। इसी फाउंडेशन को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर अपने हाथों में ले लिया है ताकि जो मेरा जो डार्क एरिया है उस वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने अंडर आई में इसको अप्लाई कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा मैंने उसको अप्लाई किया है ताकि दो लेयर बन जाएंगे तो हमारा जो ब्लैक एरिया है वो थोड़ा सा ढक जाएगा। तो इसमें मैंने कंसीलर का यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने मेकअप कितने अच्छे तरीके से किया है। तो मैंने फिर नेक्स्ट जो यूज़ किया है वो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। आई थिंक मैंने ये ऑनलाइन लिया था, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। मैंने ये यूज़ किया है, ब्लू शेड यूज़ किया है, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लू शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने लाइट ब्लू शेड लिया है जो कि शिमरी है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है अपने दोनों आईलिड्स पे। तो मैंने इसको अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने सारे स्किन के ऊपर कि अच्छी तरीके से आईलिड्स पे ये लग जाए। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई तामझाम नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और लाइट ब्लू तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप वाइट पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे अगर आपने अप्लाई कर लिया और अगर गलती से आपको कम ज़्यादा लग जाता है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वाइट, एक वाइट कलर का जो होता है वो मैंने ले लिया है। वाइट कलर लेने से क्या होता है कि अगर आपकी आंखों के ऊपर आई शेडो एक्स्ट्रा भी लग गया है तो वाइट कलर से अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो वो एक ना अच्छा सा एक लेयर बन जाता है, एक जैसा लेयर बन जाता है। तो अगर गलती से आपको ज़्यादा आई शेडो लग जाता है आपकी आंखों पर तो आप वाइट कलर अगर लगा लेते हैं तो दोनों स्टेबल दिखने लग जाता है, दोनों एक ही जैसा दिखने लग जाता है। फिर मैंने लिया है ब्लू का जो डार्क शेड होता है वो लिया है। मैंने जो आईज़ का जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस हल्का हल्का मैंने अप्लाई कर लिया, इसको ज़्यादा मैंने मिलाया नहीं है। उसके बाद मैंने पिंक कलर ले लिया है। पिंक कलर ये आपका ऑप्शनल है, ये अगर आप लगाते हैं हल्का हल्का लगा लीजिए तो एक शिमरी लुक भी आता है प्लस एक पिंकिश लुक आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने हल्का हल्का अप्लाई करने के बाद इसके बाद मैंने ले लिया है ग्लिटर पाउडर होता है ये, तो इसे मैंने बीच में इस तरीके से हल्का हल्का लगा दिया है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिला लूंगी, इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही टैप टैप करें। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी पोर्शन में लगाएं, ऊपर वाले पोर्शन में ना लगाएं। ये देखिए आप कितना अच्छा लगता है, ये एक तो ग्लिटर वाला हो जाता है तो दिन में भी अच्छा लगता है, रात में भी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये मैंने पाउडर फॉर्म वाला ग्लिटर यूज़ किया है, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पाउडर ग्लिटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर, मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है। ये चीज़ आप बाद में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बाद में देखिएगा कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अफोर्डेबल रेंज में यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यूज़ किया है लैक्मे का आईलाइनर जो कि 50 to 60 रुपीज़ का आता है।
इसे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी, विंग आईलाइनर में अप्लाई करूँगी। तो बस मैंने इस आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने ऊपर आईलाइनर लगाने के साथ साथ मैं आज आईलाइनर नीचे साइड भी लगाऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है ईद में आँखों में काजल सुरमा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो मैंने विंग लाइनर बना लिया है, जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है विंग लाइनर बनाना। आप एक लाइन कर दीजिए, उसके बाद उसको एक अच्छी तरीके से शेप दे दीजिए, उसके बाद उसको फिल कर दीजिए। ये विंग लाइनर बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से बन जाता है। अगर आप इससे नहीं कम्फर्टेबल तो एक टेप लगा लीजिए और टेप से आप बिल्कुल ईजी और बिल्कुल स्ट्रेट आपका लाइन बनेगा। तो उसके बाद मैंने ये अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं नीचे की तरफ से आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। तो आईलाइनर मैंने नीचे तरीके की तरफ से अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं इस आँख में और इस आँख में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। जिस तरीके से मैंने इस आँख में अप्लाई किया है, उसी तरीके से मैं इस आँख में भी अब आईलाइनर को अप्लाई कर लूँगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से मेकअप करेंगे तो गारंटी है कि बहुत ही कम खर्चों में, बहुत ही कम सामान के साथ आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं ईद के दिन। बहुत ही कम है, प्लस मैंने आपको बता दिया ना कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज का सामान मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ मैं आपको फिर से दोबारा बोलना चाहती हूँ कि आप सभी को ईद मुबारक, हिंदू हुआ मुस्लिम सबको ईद मुबारक। तो बस मैंने अपने दूसरे आँख में भी आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है आईलाइनर। आप देख सकते हैं पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा है, लैक्मे का ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन भी इसका बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसके बाद अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर अगर आप मेरे को, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप मुझे जानते होंगे कि मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है हाइलाइटर का। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाया है। तो मैं हाइलाइटर को थ्रेडिंग के नीचे लगा लेती हूँ ताकि जो मेरे ग्रोथ आ गए हैं हेयर्स में वो ज़्यादा हाइलाइटेड ना हो। तो फिर मैंने हाइलाइटर को अंडर आईब्रो भी लगा दिया है, प्लस मैंने आंखों के कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर को लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लुक आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसे। इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो कॉम्पैक्ट को मैं यूज़ कर लूँगी अपने ऑल ओवर फेस पे। मैंने कोई भी कॉन्टोर यूज़ नहीं किया है, कोई भी कॉन्सीलर यूज़ नहीं किया है, मैं कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करी हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट वही यूज़ करी हूँ जो कि एक बिगनर भी अप्लाई कर सकता है। और आपको ईजी मेकअप करना है तो आप इस तरीके से ही मेकअप करें, आपको बहुत ही अच्छा लुक आएगा। हैवी मेकअप करना भी ज़्यादा, कभी कभी एक तो गर्मी है ऊपर से थोड़ा परेशानी आ जाती है, तो मैंने बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ मेकअप करना आपको बताया है। तो मैं कॉम्पैक्ट को अपने पूरे ऑल ओवर फेस पे अच्छे तरीके से लगा लूँगी। अब मैं लगाऊँगी आईलैशेस। आईलैशेस बहुत ही प्यारे लगते हैं, मैंने चुटकियाँ बजाते हैं आईलैशेस को लगा लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, वो है ब्रॉन्जर। मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगा लूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा एक रेड वाला लुक आ जाए, मेरे गाल थोड़े लाल लाल से दिखने लग जाए। बस हल्का ही लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं अप्लाई किया है, हल्का फुल्का लगा लिया है ताकि थोड़ा सा अगर आप ये जो दुपट्टा पहनते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़े से गाल लाल लाल लगते हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरा फेवरेट पार्ट है, आप ये लगाएं ना लगाएं इसे मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाइलाइटर ज़रूर लगाइए। हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने इसके लिए फ़ैन ब्रश यूज़ किया है, ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। मैंने आई थिंक 700 या 800 में मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया था। पूरा ऑल ओवर 24 ब्रश का सेट था ये। तो अगर इसके लिए आप चाहते हैं तो आप मुझे बोलिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो मैंने हाइलाइटर को अपने नोज़ के ऊपर, चीक्स के ऊपर और लिप्स के ऊपर और मेरे चिन पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। एक बहुत ही अच्छा लाइट दे के जाता है, आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो देके जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा नाक और मेरे चीक्स के ऊपर कितनी अच्छी सी लाइट आ गई है। अब मैंने आईब्रोज को शेप देना है, तो मैंने छोटू सा जो पेंसिल आता है लैक्मे का, मैंने 80 रुपीज़ का लैक्मे का पेंसिल यूज़ किया है जो कि टूट गया था यूज़ करते करते, मेरे पास शार्पनर भी नहीं था। तो बस मैंने इसे अपने आईब्रोज पे अप्लाई कर लिया है, मैंने अपने आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँ ताकि थोड़ी सी अच्छा सा लुक आए। तो और ऊपर से मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनवा रखा था, तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं इसे भी, वरना मैं ये भी यूज़ नहीं करती, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सोबर मेकअप करती। तो ठीक है, मैंने ये भी इसको यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवा रखा था, तो मैंने इसे भी यूज़ कर लिया। तो इससे अप्लाई करने के बाद मैं, मेरा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है
लिपस्टिक। मैंने रेड कलर का लिपस्टिक लिया है, ये है ब्लू हेवन का, ये आई थिंक 120 रुपीज़ का था। तो बस ये मैंने अप्लाई कर लिया है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, सारे 400 के नीचे ही का प्रोडक्ट है, 300-400 इस तरीके का ही है, कोई 100 का है, कोई 200 का है, 300 का है, 400 का, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो मैंने इस तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है अपने होंठ पे। तो बस मेरा आप देख सकते हैं मेकअप मेरा कंप्लीट होता है। अब मुझे अप्लाई करना है एक शिमरी आईलाइनर, जो कि तो अगर ऑप्शनल, अगर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, इसलिए मैंने शिमरी आईलाइनर लगा लिया है। वाइट कलर का है ये आईलाइनर, आई थिंक ये 100 रुपीज़ का था। तो बस इसे मैंने हल्का हल्का अप्लाई कर लिया है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा अप्लाई करना तो आप इसको मोटा सा एक लाइनर लगा सकते हैं। अगर आप बोल्ड लुक चाहते हैं, ये शिमरी लुक ज़्यादा चाहते हैं, तो आप इसका मोटा आईलाइनर लगा सकते हैं। तो इसे अप्लाई कर लेने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जो आपको कपड़ा पहनना है आप पहन लीजिए, आप रेडी हैं। अगर आपको कोई ज्वेलरी पहनना है तो आप ज्वेलरी को पहन सकते हैं। तो ज्वेलरी मैंने इसमें बस और बस एक ही चीज़ का यूज़ किया है, वो है आपको दिख रहा है मेरे हाथों में, बस मैं इसका ही यूज़ करूँगी और एक छोटा सा रिंग यूज़ कर लूँगी। बस इसे मैंने दुपट्टे के अंदर, जो ऊपर वाला दुपट्टा दिख रहा है उसके अंदर नहीं, उस दुपट्टे और पहले दुपट्टे के बीच में मैं इसे फंसा लूँगी, ताकि जो मोती वाला लुक है वो ऊपर से दिखेगा तो ज़्यादा सुंदर लगता है। बस इसे पहनने के बाद मेरा लुक होता है कंप्लीट। जैसा कि आपने देखा कि मैंने मेकअप किया और मेकअप में काफ़ी सारे मैंने कम प्रोडक्ट ही यूज़ किए, काफ़ी मैंने कम और काफ़ी अफोर्डेबल जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ किया। मैंने बहुत मेहनत किया है इस मेकअप के लिए। तो आप मेरा मेकअप को, अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे जो इस वीडियो को लाइक करें और आप शेयर कर सकते हैं अपने सगे संबंधी के साथ, जो भी ईद मनाना चाहते हैं आप ये मेकअप कर सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अंत में मैं दोबारा आपसे यही कहना चाहूँगी कि ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाय बाय, टेक केयर।